कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या कुछ कह रहा है ये सुन लेते हैं। इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी गण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, सरकार के लिए तो बहुत दुविधा की स्थिति हो गई। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि ये कानून बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए, और दूसरी तरफ सिंघू टिकरी बॉर्डर पे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। मुझे लगता है जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकलेगा। सातवें दौर की बातचीत के लिए क्या कोई प्रपोजल किसानों की तरफ से आया है अभी तक? अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। आप लोगों ने अभी तक किसानों की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है? मैंने कहा ना कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम बातचीत करेंगे। सरकार पहल कर सकती है? इन इंग्लिश सर, इज देयर एनी वे फॉरवर्ड, ये रास्ता कोई निकालने के लिए? क्योंकि एक तरफ तो कुछ लोग बोल रहे हैं आपका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, स्थिति प्रधानमंत्री बोल रहा है ये देश के हित के लिए किया है, क्या सिचुएशन? ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नियत दोनों सही है, और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है, और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा करें, और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।